अच्छा ये बताएं कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के पीस प्रोसेस के बारे में बड़ा कहा जा रहा है, आपने सुना होगा बहुत सारा, तो आप कहाँ से हैं? पंजाब से। तो आप इस वक्त जो पीस प्रोसेस है इंडिया और पाकिस्तान के दरम्यान, इसे कैसे देखते हैं? मैं टोटली फेवर में हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान से भी, सो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, वहाँ के लोग हमारे लोग सेम ही हैं। थैंक यू। तो मैं टोटली फेवर में हूँ। अच्छा, लोगों को लगता है कि जो पंजाब से लोग हैं वो शायद जो है वो इस पर खुश नहीं हों, जिस तरह कश्मीर के लोगों को जाहिर है थोड़ा सा उस पर नाराज़गी है कि क्यों पाकिस्तान और इंडिया आपस में सुलह करें, जो हमारा पहले इशू है कश्मीर का या आपका पंजाब का जो इशू है खालिस्तान का, ये हल हो फिर सुलह हो, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे भाई, आपकी क्या हाल है? देखो सर, ये दोनों अलग अलग इशू हो गया, ठीक है, जो पंजाब का इशू हो गया पाकिस्तान का, क्योंकि वो तो बॉर्डर ना एकदम कोल है लाहौर ते अमृतसर, तो आप पता ही चाहते हैं कि वो इकट्ठे रहन हमेशा, वो सारे पंजाब के लोग भी यही चाहते हैं कि सारे इकट्ठे रहन, तो वो बॉर्डर छेती छेती खुले। मैं हूँ कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, वहाँ मैं हटियांवाला से हूँ, बॉर्डर के साथ आता है। अच्छी बात है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में आजकल जो दोस्ती की बात चल रही है, ठीक है, एज़ अ यू नो मुसलमान होने की हैसियत से हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमें ना भूलें, ठीक है, हमारा पिछले 70-80 साल होने वाले हैं अब, तो हमारा इसमें मसला ये है कि अभी तक हमारा कोई यानी कि इसमें फैसला नहीं हुआ। हूँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है वो हूँ उत्थे गए हुए हैं, पाकिस्तान गए थे, ननकाना साहब मत्था टेकन गए थे, उन्होंने कितना चंगा लगा, उन्होंने अपना जद्दी घर देखे, प्राण देखे, असं भी चाहते हैं कि असं उत्थे जाइए देखिए जिते साडे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं, जो उन्होंने पिछोकड़ रहा है। मतलब तुसी पीस प्रोसेस की हिमायत कर दे? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली, क्यों नहीं, ठीक है, हमें हमारा राइट नहीं मिला अभी तक, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन ने जो उन्होंने रेजोल्यूशन की थी 1954 में, उसके अकॉर्डिंगली अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, ना हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल सका है। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में सबके सामने लेकर आएंगे और इसको हल करेंगे, तो सेम अगर इसी तरह इंडिया की साइड से भी अगर कोशिश की जाए या उनकी साइड से भी इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो इस मसले का हल मुमकिन है। How would you see like Pakistan and India being friends? Not good. Not good? You don't want them to be friends? She's the only one I've ever seen says Pakistan and India should not be friends. बाकी दोस्ती तो ये पिछले 70-75-80 साल से होती रही है और लड़ाई फिर होती रही है, ठीक है, ये तो चलता रहा है और चलता मे भी रहेगा तब तक जब तक मे भी हमारा कोई इसमें कश्मीर का कोई मामला जब तक हल नहीं होता, तो तब तक आई डोंट थिंक सो के ये दोस्ती कोई ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकेगी। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक मफादात की जंग है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, और इस मफादात की जंग में जो पिस रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर के लोग हैं, ठीक है, हमारे लोग कितने ही लोगों ने हमारे वहाँ के कश्मीर के लोगों ने बेगुनाह अपनी जानें दी, ठीक है, तो वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो हालात कुछ हद तक बेहतर हैं, बल्कि काफ़ी हद तक बेहतर हैं, तो हमें वहाँ पे हर तरह के राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, मोर देन 70% रिलेटिव्स मेरे अक्रॉस द बॉर्डर रहते हैं, तो हमें उनसे मिलने तक की इजाज़त नहीं है, ठीक है, ना हम वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, तो जब उनसे हमारी बातचीत होती है सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू, तो वो लोग बिल्कुल भी वहाँ पे खुश नहीं हैं उनको। अच्छा, राइट, आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं इंडिया तो हैं जी। अच्छा ये बताएं कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पीस प्रोसेस चल रहा है, अमन की बड़ी बात की जा रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टेप, इमरान खान इज़ डूइंग गुड। इमरान खान साहब उन्होंने जो कश्मीर के बारे में जो उन्होंने अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन में उन्होंने जो अपना किरदार अदा किया है कश्मीर के मामले में, उसकी हम बिल्कुल तारीफ़ करते हैं और हम उनका अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, इससे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक है, किसी ने इतनी संजीदगी से कश्मीर का मामला नहीं लिया, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख़ुद बज़ाती तौर पर हमारे मुजफ़राबाद जो कैपिटल है कश्मीर का, वहाँ पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने पूरे हमारे कश्मीर के लोगों के सामने उन्होंने ख़ताब किया और उन्होंने ये हमें इस चीज़ की यादहानी कराई है और यकीन दहानी कराई है कि वो कश्मीर का मामला आगे तक लेके इसको चलेंगे और इसके लिए लड़ेंगे।